बुद्ध को गौतम बुद्ध और महात्मा बुद्ध आदि के नामों से भी जाना जाता है। वे संसार के सभी प्रसिद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। बौद्ध धर्म सारे संसार के चार बड़े धर्मों में से एक है। गौतम बुद्ध ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनका अनुसरण अगर व्यक्ति अपने जीवन में कर ले तो उसकी जिंदगी आराम से बीतेगी। तो चलिए आज हम आपको उनकी कुछ बातों के बारे में बताएंगे जिसको आप अपने जीवन में उतार लेने से लाइफ सुखमय हो जाएगी। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि व्यक्ति को कभी भी बीते हुए समय में नहीं फंसना चाहिए और ना ही आने वाले समय के बारे में सोचना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ वर्तमान पर ध्यान देना चाहिए। यही खुशियों का सही रास्ता है। व्यक्ति के क्रोध आने से उसकी को क्रोध की सजा नहीं मिलती, बल्कि जिस पर वे अपना गुस्सा दिखाता है उसको भी उसके क्रोध का सामना करना पड़ता है। क्रोधित होने का मतलब है जलता हुआ कोयला किसी दूसरे पर फेंकने, जो सबसे पहले आपको जलाता है। संदेह और शंका करने की आदत बहुत भयानक होती है। ऐसा करने पर लोगों में प्यार होने की बजाय दूरी पैदा होती है। गौतम बुद्ध कहते हैं चारों लड़ाइयों जीतने से अच्छा है आप अपने ऊपर विजय प्राप्त करें, फिर हमेशा जीत आपकी ही होगी। दुनिया में तीन चीजों को कभी नहीं छिपा सकते हैं, सूर्य और चंद्रमा और सच। मंजिल यह लक्ष्य को पाने से अच्छा है यात्रा अच्छी हो, मंजिलें अपने आप मिल जाएगी। हजारों शब्द से अच्छा शब्द एक शब्द है जो शांति लाता है। बुराई से बुराई को कभी खत्म नहीं किया जा सकता, आपसी आप प्यार ही हमेशा बुराई को समाप्त कर सकता है। सच के रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति सिर्फ दो ही गलतियां कर सकता है, या तो वो पूरा रास्ता तय नहीं कर पाता। एक जलते हुए दीपक से भले हजारों दीपक भी जलाओ फिर भी दीपक की रोशनी कम नहीं होती, उसी तरह खुशियाँ बांटने से बढ़ती है कम नहीं होती है मेरे दोस्तों।